गुलेरिया थाने की पुलिस ने अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब बेचने वाले 3 हिस्ट्री सीटरों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने बताया कि 3 हिस्ट्री सीटरों के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान बसंत बेलदार पुत्र स्वर्गीय राम पलट निवासी ग्राम जंगल चुमरी नंबर 1 चोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर, दूसरा गणेश बेलदार पुत्र स्वर्गीय राम पलट निवासी ग्राम जंगल चुमरी नंबर 1 टोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर व तीसरा गोपाल बेलदार पुत्र जगन उर्फ जगन्नाथ बेलदार निवासी ग्राम जंगल चुगरी नंबर 1 टोला चिरकुट थाना गुलेरिया गोरखपुर के रूप में हुई है। एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने बताया कि तीनों अभियुक्त अवैध कच्ची शराब बनाने व बेचने का काम करते हैं, जिनके ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरीचौरा मानुष पारिक ने कहा, एसएसपी महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना गुलेरिया में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा एक ऐसे गैंग के विरुद्ध दर्ज हुआ है जो कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री में काफी सक्रिय रहा है। इस गैंग का गैंग लीडर है, उसका नाम बसंत बेलदार है। वह इस गैंग में 2 अन्य सदस्य भी हैं। बसंत बेलदार के विरुद्ध 1 दर्जन से भी अधिक मुकदमे पहले से दर्ज है।